हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता सजवान। आज मैं आप लोगों के साथ ये सिंपल सा डेली वेयर मेकअप शेयर करने वाली हूँ। और इसमें मैंने बहुत ही मतलब कम प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, जैसे कि फाउंडेशन की जगह पे मैंने लैक्मे की सीसी क्रीम यूज़ की है और आई शेडो ब्लशर सब ये लिपस्टिक वगैरह से, और बहुत ही मतलब कम जो भी आप लोगों के पास होंगे। प्राइमर मैंने यूज़ नहीं किया है और एलोवेरा जेल मैंने यूज़ किया है एज अ प्राइमर। काफ़ी ज़्यादा कम प्रोडक्ट के साथ मैंने ये मेकअप लुक अचीव किया है, जो कि आप अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो आप घर पे वेयर कर सकते हैं, या फिर छोटा मोटा अगर कोई भी फंक्शन हो तो आप अपने आप खुद से रेडी होके जा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक डेली वेज मेकअप, और ये बहुत ही आसान है इसे क्रिएट करना। जस्ट आपके पास जो भी घर पे सामान है, अगर सीसी क्रीम वगैरह उसके साथ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट मैं प्राइमर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी जगह पे इंडस वैली का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप नेचुरल एलोवेरा जेल को भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। सेकेंड मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपनी लैक्मे की सीसी क्रीम, और इसे बहुत आसान तरीके से आपको लगा लेना है। मतलब जैसे भी आप नॉर्मली क्रीम को यूज़ करते हैं ना, उस तरीके से आपको उसके अपने पूरे फेस पे लगा के और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि इक्वल हो जाए पार्ट। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपनी एक स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल, और मैंने ले ली अपनी आई शेडो पैलेट। अगर आपके पास आई शेडो पैलेट नहीं है तो आप लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो, कोई भी रेड या पिंक कलर की। और मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ नहीं करूँगी, बहुत ही सिंपल सा मेकअप कर रही हूँ, तो सिर्फ अपनी फिंगर के टिप से मैंने इसको अपने आई शेडो पर लगा लिया है, आई लैशेस पे। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक गोल्डन कलर, क्योंकि मैं साड़ी वेयर करने वाली हूँ और गोल्डन कलर थोड़ा सा उसमें मैच कर जाएगा। अगर आप गोल्डन कलर को स्किप भी करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, और अपनी फिंगर की टिप से भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपके पास ब्रशेज नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लैक्मे का आईलाइनर यूज़ कर लिया है, और अब यहाँ पर मैं एक अपनी पिंक कलर की लिपस्टिक ले रही हूँ, जो कि मैं एज अ ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि क्रीम लगा के ना बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता है फेस, तो अगर आप उसमें हल्का सा रेड या पिंकिश टोन देंगे तो वो काफ़ी नेचुरल सा लुक आता है। और मैं वही फिंगर के टिप से ही इसको ब्लेंड कर रही हूँ, और ये अपने दोनों चिक्स पे और नोज़ पे भी लगा लेंगे तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा रेड सी नोज़ लगती है, विंटर का टाइम चल रहा है तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। और सेम लिपस्टिक को मैंने अप्लाई कर लिया है, ब्लू हेवन की लिपस्टिक थी। और अगर आपने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया है तो अभी अपने किसी और लिपस्टिक को आप दूसरे के ऊपर मर्ज करके लगाएंगे तो बहुत अच्छा कलर निकल के आता है। सेम आई शेडो पैलेट से मैंने ना हाईलाइटर के लिए वाइट सा कलर ले लिया है, और मैं इसको अपने आईज़ के कॉर्नर पे लगा रही हूँ। अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो आप वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वैसलीन से भी थोड़ी सी शाइनिंग अच्छी आती है। और नोज़ पर भी मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ और अपने दोनों चिक्स पर भी, और ये शाइनिंग सा देता है। अगर आपने वैसलीन कभी यूज़ नहीं की है तो आप वैसलीन को यूज़ करके देखना, अच्छे रिजल्ट आएंगे। और अब मेरा फाइनली ये लुक रेडी हो गया है, और अब मैं डाल लेती हूँ अपने यहाँ पर ईयरिंग्स की कमी है और काजल की, वो मैंने वेयर कर लिया है। सो ये रहा मेरा फाइनल लुक। थोड़ा सा ना मुझे काजल फैला हुआ लग रहा है, क्योंकि मैंने ब्लू हेवन का 10 रुपीज़ वाला काजल अप्लाई किया है, बट ये भी अच्छा लगता है। डेली वेज में आप इस तरीके के काजल को यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से लुक को भी आप क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा लगता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी मिल जाए। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टा आईडी है babita_r, और वहाँ पे मैं रील्स वगैरह स्टोरी या प्रोडक्ट की रिव्यूज़ वगैरह देती रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, एक पर्सनल टच वहाँ पे बना रहता है। और जल्द ही मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।